आज गुड़गांव के सेक्टर 69, 70, 71, 72 एरिया जो तुलिप चौक के पास पड़ता है, उसके आसपास में करीब एक दर्जन सोसाइटियां जो नई बनी हैं अभी, वहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा नहीं थी, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले हजारों लोगों को आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उन्होंने अपने विधायक राकेश दौलताबाद से इस बारे में बात की, रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने चुनाव के टाइम पर भी राकेश दौलताबाद से इस बारे में बात की थी कि हमारे यहाँ पे इन सोसाइटियों के लिए यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो उसी वादे को निभाते हुए आज राकेश दौलताबाद जो बादशाहपुर के विधायक हैं, उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कर दी है, जिससे यहाँ पर जो करीब एक दर्जन जो नई सोसाइटियाँ बनी हैं उनमें रहने वाले हजारों लोगों को इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा मिलेगा, आने जाने में उनको सुविधा होगी। उसके साथ साथ ही जो आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे कोई गांव का एरिया पड़ता है या कोई यहां पे कोई भी लोग आसपास रहने वाले हैं, वो भी इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा बखूबी पाएंगे। और आज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो शुरुआत हुई है, उससे यहाँ के लोगों में काफ़ी खुशी और उत्साह देखा जा रहा है। तो आइए अब बात करते हैं कॉलोनी उन सोसाइटी के लोगों से, जिनके लिए ये स्पेशल बस सुविधा जो दी गई है, उनका क्या कहना है, वो क्या कैसे महसूस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो बस खड़ी है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इधर थोड़ा एक बार आके दिखाएं। ये मेरे पीछे जो बस खड़ी है, ये आज तुलिप चौक पे खड़ी है गुड़गांव में, जो सेक्टर 70 पड़ता है बादशाहपुर के दरबारीपुर का जो बीच का जो चौक है वहाँ पे है। तो ये बस यहाँ पे चालू की है, यहाँ की जो आसपास की जो सोसाइटी है, करीब 8 से 9 हज़ार लोग यहाँ पे रहते हैं इन सोसाइटियों में, उन सोसाइटी के लोगों के लिए और आसपास के लोकल लोग जो हैं वो भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये हज़ारों लोगों को फ़ायदा इसका बस का मिलने वाला है। जो सोसाइटीज़ की कनेक्टिविटी है पूरे, मैं अंदर जो बस में बैठे हैं लोग, मैं आपको उनसे बात कराता हूँ, वो कितने खुश नज़र आ रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? तो सर, ये बस चालू की है, आप ऊपर आ जाइए, तो कैसा लग रहा है आपको सर? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, और ये बड़ी अच्छी सुविधा होगी, हर 20 मिनट में गाड़ी यहाँ पर आती रहेगी। ठीक है, ठीक है। सर, आपका नाम क्या है? प्रोफेसर सुंदर सिंह। सर, सुंदर सिंह जी, आप बताइए क्या कहना, बस चालू हुई है आपके यहाँ पर सर्विस? सर, हमें बहुत, इस बस की वजह से हमें बहुत सुविधा मिलेगी, और विधायक जी के सामने जैसे ही हमने अपनी समस्या रखी तो उन्होंने बड़े खुशी होकर इसको स्वीकार किया और आज उन्होंने हमारी इस डिमांड को पूरा किया। चुनाव के टाइम पर उन्होंने जो वादे किए थे, क्या वो पूरा कर रहे हैं? बिल्कुल पूरा कर रहे हैं, और बाकी जो रह रहे हैं वो विद इन पीरियड वो पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हमें अपने विधायक पर पूरा भरोसा है, बड़े एनर्जेटिक हैं और जो भी वादा करते हैं वो समय से पूरा करते हैं। आपका नाम क्या है? अदिति। अदिति जी, आपको क्या कहना है, बस चालू हुई है, आपको क्या, कितनी खुशी हो रही है? हम बहुत खुश हैं, ये एक सर्विस है जो हम लोग सब चाहते थे कि हम लोगों के लिए शुरू हो जाए, ताकि हम आराम से गुड़गांव के और इलाकों में पहुंच सकें। विधायक जी ने बहुत हमारी हेल्प करी है, उन्हीं के सपोर्ट की वजह से ये सब चालू हुआ है। बस अब जो बाकी एक दो चीजें हैं वो भी हो जाए तो रेजिडेंट्स तो बस राकेश जी के सपोर्टर ही बनेंगे। मेरा नाम अनिल मान है। अनिल जी, आपको बताइए, जो बस चालू हुई है आपकी सर्विस यहाँ पे, तो कितना फायदा मिलने वाला है यहाँ पे और किस वजह से चालू? देखो सर, जन सेवा का काम है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, वो एक किसी भी एरिया की डेवलपमेंट की पॉइंट होता है। जी। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो जो लेबर क्लास लोग हैं, जो डे टू डे के अपने गवर्नमेंट जॉब्स पे जाते हैं, जो रेगुलर ट्रेवलर हैं, वो अपनी हर बंदा अपनी गाड़ी लेकर नहीं चल सकता। लेडीज को जाना है, किसी बच्चे को अपने स्पोर्ट्स के लिए अकेडमी में जाना है, ठीक है, बहुत सारे काम है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक की डेवलपमेंट होता है, ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी इस एरिया में, और राकेश जी के मैनिफेस्टो में ये एक पॉइंट था कि कनेक्टिविटी एक मेजर इशू था, तो राकेश जी ने ये मुद्दा उठाया हुआ था, और राकेश जी डे बाय डे इस पे बहुत ही प्रॉपरली और प्लान्ड वे में काम कर रहे हैं, और उसका एक आप आज एक देख भी रहे होंगे कि एक चीज़ उसमें एड ऑन हो गई है। तो थैंक यू। आपका नाम क्या है सर? मुकेश गुप्ता। मुकेश जी, क्या कहना है आपको, ये बस चालू हुई आपकी? ये बिल्कुल, ये एरिया कट ऑफ था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी नहीं कुछ यहाँ पे, तो इससे बहुत लोगों को फायदा होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई थी नहीं यहाँ पे। ठीक है, आपका नाम क्या जी? मेरा नाम परवीन है जी। परवीन जी, क्या कहना है आपको, थोड़ा तेज बोलो।
विधायक जी ने जो ये काम करा है बहुत ही बढ़िया है। लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी काफ़ी टाइम से कई सालों से यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये सेवा शुरू करवाई है। इससे काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पे सुविधा मिलेगी सोसाइटी वालों को। नवीन जी क्या कहना है आपको, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ के विधायक श्री राकेश दौलताबाद जी हैं, उन्होंने अपने कैंपेनिंग से पहले यहाँ की सोसाइटी वालों ने विधायक साहब से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे बस की बहुत ज़्यादा असुविधा है, जो भी यहाँ पे सोसाइटी है उनको आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट मैं विधायक साहब का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बनने से पहले जो वादे किए थे वो बनने के बाद विद इन वन ईयर के अंदर पूरे कर दिए। नेता तो बहुत बनते हैं पर वो अपने वादे पूरे नहीं करते। हमें एक ऐसा नेता मिला है जिन्होंने अपने बनने के बाद अपने वादे अभी आप किया। देख रहे थे जो लोगों में जो जितना उत्साह है खुशी है बस के चालू होने से, और वो कह रहे हैं कि भाई हमने राकेश दौलताबाद से रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हमें हो रही थी, तो यहाँ उन्होंने हमारी मांग को मानते हुए यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू किया, बस की शुरू की है ताकि लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलती रहे। यहाँ पे इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो चालू की गई है इन बसों से यहाँ पे हज़ारों कई हज़ार लोगों को यहाँ पे इसका फ़ायदा मिलने वाला है, और ये राकेश दौलताबाद से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि जो उन्होंने वादे किए थे उन वादों को वो धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो वादे चुनाव के टाइम कर दिए और उनको जीतने के बाद में भूल गए। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो न्यूज़ हर न्यूज़ जो है आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। मैं प्रदीप निराला, तहलका हरियाणा, गुड़गांव, बादशाहपुर, तुलिप चौक। थैंक यू।